नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं अंजलि। खबरों के सफरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिल्डरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को परेशान किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा, नोएडा में लोग बहुत परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को परेशानी होगी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बहुत लोग परेशान हैं। 1.5 लाख बायर्स को फ्लैट नहीं मिला है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बायर्स के पैसे लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सख्त चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फ्लैट बुक कराने वाले परेशान हैं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादा लोग परेशान हैं। आवासीय स्कीम हम लोग लेकर के भी आए, उसको आधा दोहराना छोड़ें। अक्सर आप देखें, आप चले जाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहां समस्या क्या है? वहां तो यही समस्या पैदा कर दी गई है, अधूरे छोड़ दे गए। वहां पर हर तबके का व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। 1.5 लाख से ऊपर ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, और यह सबसे बड़ा संकट है। और वहीं लखनऊ से आपको बता दें कि CRDIA से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक आवास का निर्माण हो और इसके लिए लाभार्थी को 1,20,000 रूपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वच्छ अभियान के तहत 12,000 रूपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक आवास का निर्माण हो और इसके लिए लाभार्थी को 1,20,000 रूपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वच्छ अभियान के तहत 12,000 रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योजनाओं को अधूरा ना छोड़ा जाए और तय वक्त के अंदर ही योजनाओं को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसमें लाभार्थी को 1,20,000 रूपये आवास के लिए, इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12,000 रूपये शौचालय के लिए, और साथ ही साथ अगर वह स्वयं अपने मकान को बनाने में अपना योगदान देता है तो लगभग 15,000 15,500 रूपये उसको हम लोग मनरेगा के अंतर्गत उतनी धनराशि अतिरिक्त देकर के ऐसे 10 लाख आवास बनाने के लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है।